अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों आपको आज बताने वाला हूं कि कल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा को लेकर के जो ऑफलाइन परीक्षा के विरोध में छात्रों को गिरफ्तारी हुई और जो निर्णय आया, कहने का मतलब कि बहुत सारे छात्र वहां से धरना स्थल से भाग आए, पथराव भी हुआ, और अब क्या करना है आप लोगों को यही आपको बताने आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, एप्लीकेशन के बारे में भी सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, बवाल के बाद अब बहुमत से होगा परीक्षाओं पर निर्णय। आपको बता दें कि जो बवाल कल हुआ, बवाल छात्रों ने नहीं किया, छात्रों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना करके बवाल खड़ा किया गया प्रशासन के द्वारा, ताकि छात्र धरना स्थल से हट जाएं और वहां पर इंटरव्यू जो अध्यापकों का चयन हो रहा है वो हो सके। तो इस वजह से वहाँ पर ईवीयू संगठक कॉलेज भी जो छात्र गए थे वहाँ पर, उनके द्वारा जो भी हुआ वो उसके बाद अब छात्रों का क्या क्या करेंगे छात्र, उसके ऊपर हम बताने वाले हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उसके संगठक कॉलेज के छात्रों को 10 मार्च तक मांगे गए हैं आवेदन। आप लोग जानते हैं कि उस दिन कल नहीं परसों में आया था एक नोटिस, जो कि वहां प्रॉक्टर और परीक्षा नियंत्रक महोदय प्रशासनिक अधिकारी लोग कहें कि आप सभी 2 दिन के अंदर अपना आवेदन जमा करिए, ताकि यदि जो आप चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम वाले छात्र तुरंत एप्लीकेशन देकर के अपने महाविद्यालय अपने कॉलेज में जाकर के प्रॉक्टर या प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें। तो वही काम के लिए 10 मार्च तक के आवेदन मांगे गए हैं और इसी पर निर्भर करेगा छात्रों का एग्ज़ाम। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर के बवाल के बाद अब बहुमत के आधार पर परीक्षाओं का निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब जो ज़्यादा छात्र, कहने का मतलब ऑफलाइन तो कोई एप्लीकेशन देने नहीं जा रहा है, लेकिन जितने लोग ऑनलाइन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम देना तय है। ईवीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन के शुक्ला की ओर से यह सूचना आई थी, आप लोग जान जाइए। छात्रों की मोड़ में परीक्षा चाहते हैं वे अपना आवेदन में 10 मार्च तक जो कुलानुशासक कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। कहने का मतलब मेन कैंपस में जो हो वो प्रॉक्टर ऑफिस में जमा करें, और जो महाविद्यालय में है जो अपलिटेड कॉलेज में वहाँ जिसके यहाँ प्रॉक्टर है प्रॉक्टर में, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करें। और हर महाविद्यालय में कोई भी अपलिटेड कॉलेज हो वहाँ हर जगह पर नोटिस लगा दी गई है कि आपको यहाँ पर जमा करना है। अब आपको बता दें कल क्या हुआ था विश्वविद्यालय में। दिन में तनाव तैनात रही फोर्स बहुत ज़्यादा संख्या में ऑफलाइन परीक्षाओं के विरोध के कारण विश्वविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। सभी लोग छात्र जो थे गेस्ट हाउस, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी है, गेस्ट हाउस गोविंदपुर वाले रोड पे, वहाँ पर सभी छात्र गए। वहाँ पे पुलिस अपनी फोर्स लेकर के काफ़ी संख्या में, लगभग 200-250 की संख्या में पुलिस वहाँ सभी छात्रों के साथ वीडियो बना रही है और लगातार लाठी लेकर के छात्रों के ऊपर दबाव बना रहे थे और लाठियाँ पटक कर छात्रों को खदेड़ना पड़ा वहाँ पर। उसके बाद छात्र को इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस का गेट बंद कर दिए बैंक रोड पर। गेट बंद करने के बाद वे सभी छात्र वहां पर डटे रहे अपने ऑनलाइन एग्जाम पे। काफ़ी संख्या थी छात्रों का, छात्रों में जो छात्र नेता थे उन्होंने बहुत सारी कक्षाओं को जाकर के कक्षाओं में घुस करके छात्रों के द्वारा जो बोला गया कि कक्षाओं को बहिष्कार करें, और कक्षाओं के बहिष्कार करने के बाद छात्र वहाँ पर गेट पर बैठ गए, गेट को लॉक करके। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ तैनात हो गई, और कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि छात्रों के द्वारा वहाँ पर ऑनलाइन का जो नारे की वजह से वहाँ पर कुछ छात्र जो हैं ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में पथराव की जो स्थिति बन गई। क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ एक छात्र जो थे, कुछ छात्र वहाँ पर पथराव करने लगे, तो पथराव के लिए वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनके ऊपर लाठी चार्ज की, जो कि कल जानते हैं आप लोग विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस फैकल्टी के बाहर भी और मेन कैंपस यूनिवर्सिटी के गेट पर भी कल पथराव किया गया। छात्रों के ऊपर ज़बरदस्ती उनको हटाया गया वहाँ से, और छात्र कुछ छात्रों को तो वहाँ के जो प्रशासन है वो अपने अंडर में ले ली, उनको गिरफ्तारी कर लिया और उनको कर्नलगंज थाने में रखा गया और पुलिस लाइन थाने में रखा गया। उसके बाद छात्र अभी आपको बता दें, अजय यादव सम्राट, आदर्श भदौरिया, हरिओम तिवारी, अभिनव द्विवेदी, सात्र, इन सभी छात्रों को किया गया है सस्पेंड।
इन सभी छात्रों को सस्पेंड किया गया है। कैंपस में बुलानी पड़ी पुलिस, बहुत ज़्यादा संख्या में कैंपस में पुलिस भी आई और छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हुए छात्रों का नाम बता दें, अजय यादव सम्राट, आदर्श सिंह भदौरिया और हरिओम त्रिपाठी और अभिनव द्विवेदी, जो कि हिंदी MA हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं। इन लोगों को ऊपर बताया गया कि छात्रों के भड़काने का कार्य कर रहे हैं, इस वजह से इनको वहाँ से दरखास्त कर दिया गया, कैंपस से इन्हें बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा अभिनव द्विवेदी के अलावा जो अभिषेक द्विवेदी और सत्यम कुशवाहा और अन्य कई साथी जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक नहीं पता है कि वो छात्र कहां पर हैं। तो साथियों, आप सभी अपना निर्णय खुद लेंगे। बवाल के बाद जो छात्रों का बहुमत होगा, आप बता दें कि छात्रों के फीडबैक से तय होगा परीक्षा का मोड। आप लोग ध्यान दीजिए साथियों कि आप परीक्षा किस मोड में चाहते हैं, वो आप अपने कलम की ताकत से दिखा सकते हैं। आप अपने हर एक छात्र विश्वविद्यालय महाविद्यालय का वो सीधा एप्लीकेशन लिखे ऑनलाइन एग्जाम के संदर्भ में, और चाहे तो कुलपति को नाम डाले, चाहे अपने कॉलेज के महाविद्यालय के प्रिंसिपल या प्रॉक्टर के लिए निवेदन लिखे, और लिखने के बाद छात्र सीधा अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय मेन कैंपस वाले मेन कैंपस में और एफिलेटेड कॉलेज वाले अपने एफिलेटेड कॉलेज में जमा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र, और डेट जो है बताई जा रही है विश्वविद्यालय की तरफ से कि डेट जो है 10 फरवरी तक है, 10 फरवरी तक सभी लोग अपना ऑनलाइन के लिए आवेदन कर दें, अपना एक एप्लीकेशन लिखें। फॉर्म में मत भरिए, एक फॉर्म खूब वायरल हो रहा है जिसमें आपको सीधा नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखना है, वहाँ एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखना है। सीधे सीधे आपको एक नया पेज लीजिए अपने से, उस पेज पर एप्लीकेशन लिखिए, और एप्लीकेशन लिखने के बाद आप सीधा अपने कॉलेज जमा करिए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र जरूर ये काम करें, जो गाँव में है वो अपने किसी साथी से अपने द्वारा वहाँ पे अपना फीस रिसिप्ट, जिसके पास आईडी कार्ड हो आई कार्ड लगा दे उसके साथ में, एप्लीकेशन के साथ में, और फिर रिसिप्ट हो तो फीस रिसिप्ट की टू कॉपी लगा करके जमा करें। और जो छात्र गांव में है वो नहीं आ सकते, वो अपने साथियों के द्वारा यहाँ से एप्लीकेशन दिलवा दें लिखित तौर पे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि यदि गाँव में हो और आपका एप्लीकेशन कोई लिख दे, तो आप अपना नंबर कॉन्टैक्ट में मेरे इस कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उस नंबर पर हम आपको मैसेज करवाएंगे और आप वहाँ पर अपनी आईडी भेजिएगा, आपका एप्लीकेशन आपके कॉलेज में आवेदन किया करवा दिया जाएगा यदि आप गांव में हैं और एप्लीकेशन नहीं दे सकते। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे उन साथियों को, हमारे उन बड़े भाइयों का जो मेहनत है उनको, उन पे पानी मत फेरिए। उनका जो इतना दिन से यूनिवर्सिटी में कैंपस में बवाला के लिए लगे थे हमारे लोगों के लिए, उनके लिए तो आप सभी एप्लीकेशन दीजिए, सभी लोग दीजिए, कोई ना चूक पाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है सर, साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन जमा करिए कॉलेज में। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करिए।